नमस्कार, रागिरी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का ये जो समय था, ये जो मुश्किल समय था, इसमें कुछ वीडियोस लोगों ने बहुत पसंद किए, बहुत सराहे, बहुत देखे, और उनमें से एक वीडियो माँ और बेटी की जुगलबंदी का वीडियो हुआ करता था, जिसमें बेटी गाना गाती हैं और माँ तबला बजाती हैं। याद आया आपको वीडियो? और उस वीडियो के वायरल होने या उस वीडियो के पसंद किए जाने के पीछे थे वो सुर, जो सीधा दिलों को छूते थे, जो सीधा दिमाग को छूते थे और लगते थे बहुत ही सुरीले, बहुत ही पवित्र। हम स्वागत करते हैं रागगिरी में आज उसी कलाकार का, जिनका नाम है शुभ्रा अग्निहोत्री, और विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगी उनकी माँ, जिनका नाम है संगीता अग्निहोत्री। शुभ्रा जी, संगीता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, रागगिरी में हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभ्रा, मैं कुछ और ज्यादा बताऊं आप लोगों की जुगलबंदी के बारे में, इससे बेहतर होगा कि आप ही कोई भजन सुनाएं सबसे पहले, जिसमें आपकी माँ निश्चित तौर पर आपका साथ देंगी। और दरअसल रागगिरी की रवायत भी यही है कि हम मेहमानों का जो इंटरव्यू कर रहे हैं उसमें उनसे हमेशा गुजारिश करते हैं कि बातचीत का सिलसिला भजन से शुरू किया जाए, तो कोई भजन हो जाए। जी बिल्कुल, और मैं शुरुआत मेरे सबसे पसंदीदा भजन से करना चाहूंगी। पहला सवाल तो मेरा यही है कि जब मैं आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे पता चला कि 2.5 साल 3 साल की उम्र में ही आपके अंदर संगीत के संस्कार थे और इस बात को पहचाना आपके ग्रैंडफादर ने। तो आप तो निश्चित तौर पर उतने बचपन की बातें याद नहीं होंगी, लेकिन आपकी माँ आपको क्या बताती हैं? जी, मेरी मम्मी ने मुझे यही बताया है कि जब मैं छोटी थी वो तबला सिखाने जाया करती थी, तब वो मुझे मेरे दादाजी के पास ही छोड़ के जाया करती थी, तो दादाजी की भी म्यूज़िक क्लासेस चलती रहती थी घर पर, तो वो क्लासेस लिया करते थे, मैं वहीं खेलती रहती थी उनके आसपास। तो एक दिन वो हारमोनियम पर कुछ स्वर बजा रहे थे और जिसको मैंने सारे गामा में नोटेशन उसका गाया, तो काफ़ी चकित हुए वो, और उन्होंने तभी से मुझे संगीत सिखाना शुरू किया बिठाकर। तो ऐसे ही सब शुरुआत हुई। संगीता जी, मैं आपसे भी ये सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि ये कैसे आप लोगों ने पहचाना, वो क्या खास बात थी जिसने ये बताया कि इतनी छोटी से बच्ची के दिलो दिमाग में संगीत के कहीं बीज है, ये कैसे पहचाना था आपने? शिवेंद्र जी, जब ये बिल्कुल 2.5 साल मात्र होगी, उस समय हमने देखा कि ये कुछ इसके दादाजी यदि गाते हैं तो ये उसका सरगम बना के गाने लग जाती थी, वो आलाप करते थे ये उसका नोटेशन करने लग जाती थी, या दूरदर्शन से कोई विज्ञापन आता था तो उसका वो नोटेशन करके और गाने लगती थी, और इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, तो हमें लगा कि ये ज़रूर आगे चलकर इस क्षेत्र में कुछ करेगी निश्चित रूप से। और उसके बाद शुभ्रा, फिर आपने संगीत की तालीम लेना शुरू किया, और आपके पिता भी गायक हैं, मैं ये भी बताना चाहूँगा रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को, और वो बहुत खूबसूरत गजलें गाते हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। ये जो संगीत की तालीम लेने का सिलसिला विधिवत तरीके से शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए। जी, संगीत की तालीम मैंने तो पहले दादाजी से ही शुरुआत की थी, उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाना शुरू किया, पर जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी वैसे वहाँ पर लोग कहते थे कि कोई भजन सुनाओ, कोई गीत सुनाओ, तो ये सब मुझे तब नहीं आता था, पर
पापा क्योंकि लाइट म्यूज़िक के बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो उन्होंने मुझे लाइट म्यूज़िक की ट्रेनिंग फिर धीरे धीरे शुरू की। तो इसी तरह मैं दादाजी से शास्त्रीय संगीत और पापा से लाइट म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेने लगी, और पापा से काफ़ी मैंने गीत भजन गज़ल और सारी चीज़ें सीखी। और शुभ्रा, जब माँ साथ में बैठी हो तबले पर तो फिर बार बार लालच यही आता है कि आपसे कुछ सुना जाए, तो कोई सेमी क्लासिकल में कुछ, कोई बंदिश, कोई या फिर कोई ठुमरी जो आपको पसंद हो, जो आप सुनाना चाहें। जी बिल्कुल, पर यहाँ पर मैं सेमी क्लासिकल की जगह शास्त्रीय संगीत में निबद्ध एक तराना सुनाना चाहूंगी जो राग पूरिया धनाश्री पर आधारित है। अच्छा संगीता जी, मेरा ये प्रश्न आपसे है, और वो ये कि आप कलाकार, आपके पति कलाकार, आपके परिवार में कलाकार, लेकिन अभी जो कला की स्थिति है, इसमें जब हम अगली पीढ़ी के बच्चों को किसी कला की तरफ समर्पित करने के लिए कहते हैं, तो दिमाग में हमेशा ये रहता है कि पढ़ाई कहीं पीछे ना छूट जाए। ये जो बैलेंस था वो शुभ्रा ने कैसे किया, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि आपने कैसे ये बैलेंस बनाया कि म्यूजिक और पढ़ाई साथ साथ चले, और शुभ्रा आप भी इसका जवाब दीजिएगा। शिवेंद्र जी, मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि यदि व्यक्ति में कोई हॉबी होती है तो वो उसे हेल्प ही करती है एजुकेशन में, पढ़ाई में, और उनकी एकाग्रता बढ़ती है। और ये खुद मैंने भी ये महसूस किया है, क्योंकि मैंने भी बचपन से तबला सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी वजह से मेरी पढ़ाई कभी भी प्रभावित नहीं हुई, और बल्कि मुझे इसमें बहुत हेल्प मिली। मेरी एकाग्रता बढ़ी, मेरी उत्साह बढ़ा, और एक रिलैक्सेशन मिलता है उससे। और मैंने देखा कि मतलब बच्चे भी यदि ये करेंगे तो इनको ज़रूर फ़ायदा ही होगा उससे। जी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि म्यूज़िक ने मुझे हेल्प ही किया है हमेशा मेरे स्टडीज़ में और बाकी और क्षेत्रों में। और मैंने एक्चुअली स्टडीज़ और म्यूज़िक में कैसे बैलेंस करूँ ये ना देखते हुए मैंने ऐसा देखा है कि मेरी पढ़ाई, मेरे बाकी और सारी चीज़ें, और म्यूज़िक मुझे मदद कर रहा है बाकी सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए। तो मुझे म्यूज़िक ने हमेशा हेल्प किया है, मुझे बैलेंस नहीं करना पड़ा। संगीता जी, ये फरमाइश मेरी आपसे है, और वैसे तो तबले को हमेशा एक संगत के वाद्य यंत्र के तौर पर देखा गया है, लेकिन तबले के सोलो कार्यक्रमों की भी बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है, तो कोई एक कुछ आप बजाएं और उसके बारे में बताएं भी हमें कि वो किस ताल में निबद्ध है जो आप बजा रही हैं, तो बहुत खुशी होगी। हाँ जी, मैं आपको द्रुत तीन ताल में कुछ एक दो चीजें, रचनाएं, बंदिशें सुना देती हूँ, जिसमें कुछ मैं आपको पढ़न करके भी बताऊंगी। दादा गुरु उस्ताद जहांगीर खान साहब की है, इसको हम पांच लय की गत कहते हैं। इसमें पांच विभिन्न लय
आपको दिखाई देंगे। मैं देख रहा था कि आपके पास पुरस्कारों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है, यानी पुरस्कार मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लता जी के नाम पे जो सम्मान मिलता है वो आपको मिला, आकाशवाणी से सम्मान मिला। ये सम्मान निश्चित तौर पर कलाकार को अच्छे लगते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ाते हैं। और आप तो एक म्यूजिकल फैमिली से हैं, तो हर पुरस्कार कोई नई सीख देता है, वो सीख क्या होती है? जी, जितने भी पुरस्कार मुझे मिले हैं अभी तक, मैं उन्हें एक प्रेरणा जैसा ही देखती हूँ। मुझे उससे एक उत्साहवर्धन मिलता है, जितना मैंने मेहनत की है उसका एक वैलिडेशन जैसे मिलता है। पर मैंने एक ही सीख ली है कि बस बेहतर करते जाना है और उसे एक अंतिम लक्ष्य जैसे नहीं देखना है। शुभ्रा, बहुत देर से हमने आप लोग की जुगलबंदी नहीं सुनी है, तो कुछ अपने दिल की बात जो आप अपने अपनी गायकी से हमारे रागगिरी के सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाना चाहें, जरूर पहुँचाइए। जी बिल्कुल, आखिर में क्योंकि मेरा गजलों की तरफ रुझान ज्यादा है, एक गजल पेश करना चाहूंगी।
अच्छा शुभ्रा, आपने तमाम सारे जो रियलिटी शोज हैं उसमें भी हिस्सा लिया है, तमाम बड़े जो कलाकार हैं मौजूदा समय के संगीत के उनके सामने आपने परफॉर्म किया है, लेकिन वो जो रियलिटी शोज की जो दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया है, उस दुनिया से जब आप जो परंपरागत तालीम है शास्त्रीय संगीत की, संगीत की, उन दोनों के बीच जो जब आप कंपैरिजन करती हैं तो आपको क्या फर्क दिखाई देते हैं बड़े? रियलिटी शोज की दुनिया और पारंपरिक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे यही लगता है कि क्लासिकल म्यूजिक में एक सुकून है, एक ठहराव है, और वही वो चकाचौंध की दुनिया में हम यूजुअली दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके अप्रिसिएशन के लिए, फेम के लिए करते हैं, गाते हैं, और यहाँ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हम अपने लिए ज़्यादा गाते हैं। हम जब गाते हैं तो हमें एक इंटरनल पीस मिलता है, तो सबसे बड़ी डिफरेंस मुझे ये लगता है। अच्छा, मैं शुभ्रा रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को अगर ये बताऊं कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यानी आप दर्द को दूर करते हैं, तो ये नई जानकारी होगी उनके लिए। और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कभी ऐसा होता है कि फिजियोथेरेपी करते वक्त आप कुछ गुनगुना रही हों और पेशेंट को लगे कि ये जो गायकी है वो उसका जो हीलिंग टच है, उसकी जो हीलिंग पावर है, वो कहीं ज़्यादा मजबूत है मेडिकल साइंस से? जी, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे कॉलेज के डिपार्टमेंट में जब मैं काम करती थी तो कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ गुनगुनाने लगती थी और कोई पेशेंट एकदम से पकड़ लेता था कि अरे आप तो बहुत अच्छा गा रही हैं। कुछ टीचर्स, कुछ हमारे क्लासमेट्स बोल देते थे कि अरे बहुत अच्छा गाना गाती है, तो वो मुझसे कभी कभी गाना गवा लेते थे। तो मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज करते थे, नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते थे, उसके कंपैरिजन में जब मैं उनको गाना सुना देती थी थोड़ा बहुत, पूरा माहौल बदल जाता था और पेशेंट काफ़ी खुश हो जाता था, जिससे आई गेस उसकी हीलिंग पावर अपने आप बढ़ जाती है। दरअसल ऐसा है कि हमने जो भी संगीत सीखा है, मैंने क्या बच्चों ने, हम लोगों ने इसको हॉबी बतौर सीखना शुरू किया था, और मैं ये देखती हूँ कि जैसे हमको रास्ता मिलते जाएगा हम इसे रखेंगे हॉबी के तौर पर ही। यदि हमें आगे प्रोफेशनली इसको रास्ता मिलते जाएगा तो ये ज़रूर प्रोफेशनली भी करेगी। और इसके अलावा मैं सोचती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन है वो तो बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट है, वो होना ही चाहिए, और साथ में हम ये हॉबी के बतौर कर रहे हैं, तो यदि प्रोफेशनली ये करेगी तो वो म्यूज़िक भी कर सकती है और साथ में फिजियोथेरेपी भी कर सकती है। शुभ्रा, आपने हमारे लिए समय निकाला, रागगिरी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और संगीता जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपको बहुत सारा धन्यवाद भी कि आप एक एक संगीत के संस्कार जो आप में है वो आप शुभ्रा में डाला आपने, और अब उसकी महक शुभ्रा बहुत बखूबी बिखेर रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रागगिरी का।